गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विक्रम सिंह, प्रवक्ता यांत्रिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रतापगढ़ में कार्यरत हूँ। और आज हम उन मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके थ्रू हम जो रैंकिन साइकिल होता है उसकी जो परफॉर्मेंस हो तो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको रैंकिन साइकिल की एफिशिएंसी के बारे में बताया था, आज हम जो एफिशिएंसी है उसको हम किन किन मेथडों से बढ़ा सकते हैं, या उस जो रैंकिन साइकिल होता है उसकी परफॉर्मेंस को हम किन किन मेथडों से बढ़ा सकते हैं, तो उन मेथडों के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, इसमें कई सारे मेथड होते हैं, यानी उसमें हम एक एक जो फैक्टर होता है, एक एक पैरामीटर होता है, उसको चेंज करके देखते हैं और उन पैरामीटर के चेंज करने से क्या अदर जो पैरामीटर है उन पर क्या फर्क पड़ रहा है, क्या एफिशिएंसी घट रही है, बढ़ रही है, डब्ल्यूमेट घट रहा है, बढ़ रहा है, उन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम एक इसमें क्या होता है कि एक हम बेसिक साइकिल बनाएंगे, दूसरा हम उस किसी एक फैक्टर को बढ़ा के बनाएंगे, दोनों साइकिलों को फिर कंपेयर करेंगे, उससे हम पता लगाएंगे कि इसमें किस पे फैक्टर पे क्या क्या फर्क पड़ रहा है। तो देखिए, हमने सबसे पहले हम पहला मेथड देखेंगे कि अगर हम बॉयलर प्रेशर को बढ़ा देते तो हमारा क्या होता है, क्या क्या किन किन चीज़ों पे क्या क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बेसिक रैंकिन साइकिल बनाया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस तरह से हमारा ये पहला साइकिल ये साइकिल हो गया। और ये वाला जो साइकिल है हमारा, ये क्या हो जाएगा, दूसरा साइकिल हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये जब हमने प्रेशर बढ़ा दिया, बॉयलर प्रेशर पहले ये था, अब प्रेशर को बढ़ा दिया, ये क्या है हमारा, प्रेशर ऑफ बॉयलर 2 और ये प्रेशर ऑफ बॉयलर 1। ठीक है, या इसको 1 कह सकते हैं, इसको 2 कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, पहले हमारा सब फर्स्ट पे देखते हैं कि पहले टर्बाइन वर्क 1 से 2 था, अब टर्बाइन वर्क हमारा क्या 1-2, यानी कि हमारा टर्बाइन वर्क बढ़ गया। दूसरा है हमारा पंप वर्क, देखो पंप वर्क पहले 4 से 3 था, अब 4-3 है, यानी कि हमारा पंप वर्क ही बढ़ गया। लेकिन क्या होगा, टर्बाइन वर्क ज्यादा बढ़ता है इसलिए हम क्या हो, डब्ल्यू नेट हमारा वो बढ़ जाएगा। डब्ल्यू नेट क्या होता है, डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी। तो इस तरह से हमारी परफॉर्मेंस में क्या फर्क पड़ा कि हमारा टर्बाइन वर्क भी बढ़ गया और टर्बाइन पंप वर्क भी बढ़ गया, लेकिन फाइनली क्या, डब्ल्यू नेट बढ़ गया। ठीक है, दूसरा है हमारा कि हम यहाँ पे देखते हैं कि हीट सप्लाई, अब देखो क्या होता है कि इस सेक्शन में हीट हमारी, हीट सप्लाई, हीट एडिशन है वो कम हो रहा है, लेकिन इस सेक्शन में बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या है, पहले वाली साइकिल में यहाँ पे हीट एडिशन कम है, लेकिन यहाँ पर पहले ज्यादा था, यहाँ से यहाँ तक था, तो हम कुछ कह नहीं सकते, एक में घट रहा है, एक में बढ़ रहा है, दूसरे में घट रहा है, पहले में बढ़ रहा है, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, हीट सप्लाई बढ़ रहा है या घट रहा है, लेकिन उसमें बहुत ही कम डिफरेंस आता है, इसलिए हम इसको बता नहीं सकते। अब क्या होता है कि एफिशिएंसी के बारे में देखें, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी क्योंकि डब्ल्यू नेट बढ़ रहा है, हीट सप्लाई के बारे में कुछ कह नहीं सकते, इसका मतलब थोड़ा सा माइनर फर्क पड़ता है। ठीक है, अब देखिए एफिशिएंसी बढ़ गई हमारी, अब देखते हैं हीट रिजेक्शन, तो देखो हीट रिजेक्शन पहले यहाँ से यहाँ था, अब रिजेक्शन यहाँ से यहाँ तक है, हीट रिजेक्शन भी घट गया। अब क्या है हमारा, देखते हैं यहाँ पे, देखो ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया हम जब प्रेशर बढ़ाया था, यानी कि ड्राइनेस फ्रिक्शन होता है वो घट गया। ड्राइनेस फ्रिक्शन क्या होता है, मास ऑफ वेपर बटे मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। अब मास ऑफ वेपर बढ़ गया, सॉरी घट गया, मास ऑफ वेपर घटने से क्या होगा कि ड्राइनेस फ्रिक्शन घट गया, ड्राइनेस फ्रिक्शन घट गया तो यानी वेपर घट गई, वेपर घट गई तो लिक्विड बढ़ गई, लिक्विड बढ़ गई तो हमारे जो टर्बाइन की ब्लेड है उनमें जंग लग जाएगी, यानी कि उनका बहुत ज्यादा इरोजन होगा, और तो ये हमारे लिए क्या है, ये थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर है कि यहाँ पर टर्बाइन ब्लेड का इरोजन ज्यादा होगा। हालांकि हमारी देखो डब्ल्यू नेट बढ़ रहा है, हीट सप्लाइड है उसके बारे में कह नहीं सकते, लेकिन रिजेक्शन घट रहा है और एफिशिएंसी बढ़ रही है। ठीक है, तो हमने देखा कि बॉयलर प्रेशर बढ़ाने से क्या हो रहा है, टर्बाइन वर्क बढ़ रहा है, डब्ल्यू नेट बढ़ रहा है तथा एफिशिएंसी बढ़ रही है, हीट रिजेक्शन भी हमारा घट रहा है, लेकिन हमारा क्या होता है कि जो टर्बाइन की ब्लेड का वो इरोजन थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो हम अगले मेथड को देखते हैं, अगला मेथड है फ्रेंड्स सुपर हीटिंग। तो देखो हम क्या करते हैं कि हमने पहले बॉयलर प्रेशर को बढ़ा के देखा, तो उससे देखा कि हमारी टर्बाइन की जो टर्बाइन वर्क है वो भी बढ़ रहा है, पंप वर्क भी बढ़ रहा है, डब्ल्यू नेट बढ़ रहा है, एफिशिएंसी भी बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन उसमें एक ही कमी थी कि उसमें टर्बाइन का इरोजन, जो टर्बाइन ब्लेड है उनका इरोजन ज्यादा हो रहा था। हम सुपर हीटिंग करके देखते हैं, सुपर हीटिंग कहाँ होती है, बॉयलर के अंदर होती है। सुपर हीटिंग में हम क्या होते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, और ये जो बॉयलर में जो प्रेशर होता था वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, सुपर हीटिंग करते हैं, सुपर हीटिंग में उसका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ा रहे,
टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे जो टर्बाइन वर्क है वो बढ़ रहा है, क्योंकि पहले एक से दो था, अब क्या है 1" से 2" यानी टर्बाइन वर्क बढ़ रहा है, पंप वर्क हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है, सुपर हीटिंग के केस में। तो जब पंप वर्क कॉन्स्टेंट रहेगा, टर्बाइन वर्क बढ़ा, डब्ल्यू नेट भी बढ़ रहा है। अब देखो हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड पहले 4 से 1 थी, अब क्या है 4 से 1" तक है, यानी कि हमारा हीट सप्लाई भी बढ़ रहा है, हीट रिजेक्शन भी बढ़ रहा है, 3 से पहले 1 था, अब क्या है 3 से 2" है, ठीक है, हीट सप्लाई भी बढ़ रहा है, हीट रिजेक्शन भी बढ़ रहा है, तो एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि डब्ल्यू नेट काफी मात्रा में बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे जो ड्रेनेज सेक्शन है वो भी बढ़ रहा है, यानी कि वेपर की क्वांटिटी बढ़ रही है, वेपर की क्वांटिटी बढ़ रही है यानी लिक्विड कम हो रहा है, लिक्विड कम हो रहा है तो यानी कि जो टर्बाइन ब्लेड का इरोजन है वो भी कम होगा, यानी सुपर हीटिंग इज द बेस्ट मेथड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ रैंकिन साइकिल, ठीक है, इसमें देख लेंगे। अब देखो यहाँ पे खूब देख भी सकते हैं कि जो टर्बाइन वर्क है हमारा क्या था, बढ़ रहा है, पहले क्या था H1-H2, पंप वर्क हमारा क्या है H4-H3, ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, हीट सप्लाइड भी हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है, हीट सप्लाइड हमारी क्या है H1 से H4, ठीक है, हीट रिजेक्शन हमारा क्या है H3, तो इस तरह से हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब अगला मेथड देखते हैं हम, क्या हमारा रीहीटिंग, तो रीहीटिंग में क्या करते हैं, वही रीहीटिंग भी में थोड़ा सा फर्क होता है कि जो बॉयलर होता है उससे क्या करते हैं हम, स्टीम बनाते हैं, स्टीम बनाने के बाद हम क्या करते हैं टर्बाइन में एक्सपेंड कराते हैं, टर्बाइन में एक्सपेंड कराने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पूरा एक्सपेंड ना करा करके उसमें से कुछ जो पार्ट होता है, कुछ पार्ट होता है या तो हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं किसी हीटिंग पर्पज के लिए, या फिर एक्सपेंड कराने के बाद में वापस से उसको वहीं से रीहीट करते हैं। जैसे हमने क्या किया, देखो 1 से 2 यहां हमने टर्बाइन में एक्सपेंड कराया स्टीम को, उसके बाद वापस से उसको रीहीट कर दिया, यानी कि कंबेंशन चैम्बर के थ्रू उसमें हीट एडिशन कर दिया और उसका वापस से टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो क्या रीहीट का जो प्रेशर होता है वो 20 से 50% के बीच में होता है, किसके, बॉयलर प्रेशर के, उसी के बीच में हम रखते हैं। रीहीट बढ़ाने से क्या हुआ, फिर से हम उसको एक्सपेंड कराते हैं, एक्सपेंड कराने के बाद में क्या हुआ, ये 4 पर आ गया और फिर से हमने इसको कंडेंसर के थ्रू पंप वर्क और ये वापस से हमने बॉयलर में दे दी। तो इसमें कई सारी चीजें होती हैं, देखो कि जब हम इसमें 2 टर्बाइन लगानी पड़ेंगी, या और 2 टर्बाइन क्या होता है कि एक टर्बाइन हुई यहाँ पर, उसको एक्सपेंड करा दिया, फिर यहाँ से इसको वापस से कंबेशन चैम्बर में भेज दिया, कंबेशन चैम्बर में भेजने के बाद में वहां पर से इसको रीहीट किया गया और फिर से एक्सपेंड कराया गया। तो देखो ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, तो यहाँ पे इनकी एंट्रोपी H1 और H2 की वैल्यू बराबर हो गई, यहाँ पे क्या होता है H3 और H4 की वैल्यू भी बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब रीहीट प्रेशर को रखेंगे किससे, 20 से 50% के बीच में, किसके, बॉयलर प्रेशर के, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर उन्हीं चीजों को हम कंपेयर करके देखते हैं कि पहले हमारा जो वर्क था वो ये था 1 से 2 था, लेकिन अब हमारा जो वर्क है टर्बाइन वर्क है वो बढ़ गया 1 से 2 + H3 - H4, यानी ये दोनों वर्क हो गए, यानी टर्बाइन वर्क हमारा बढ़ गया, किससे, रीहीटिंग की वजह से, ठीक है। दूसरा है हमारा पंप वर्क हमारा दोनों ही किस्सों में क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H6 - H5, ठीक है। तो WP कांस्टेंट है, WT बढ़ रहा है, तो यानी कि डब्ल्यू नेट हमारा बढ़ गया, डब्ल्यू नेट बढ़ गया, हीट सप्लाइड भी हमारी बढ़ गई, क्योंकि देखो पहले हीट सप्लाइड कहाँ से, ये 6 से 1 थी, अब 6 से 1 + 2 से 3, तो ये 3 से 2 और 1 से 6 हो गई। तो इस तरह से हम देखो टर्बाइन वर्क, डब्ल्यू नेट बढ़ रहा है, डब्ल्यू नेट हमारे ये भी हमारा नेटवर्क आउटपुट बढ़ रहा है, तो भी हमारी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। तो इस तरह से हम 3 फैक्टर हैं, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन मेजर हमारे 3 ही मेथड से जिनसे हम रैंकिन साइकिल एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब ठीक है।